सीतापुर से भाजपा के विधायक राकेश राठौर ने भी आज सपा का दामन थामा है, सीधे उनसे बात करेंगे। राकेश जी, भाजपा अभी तक ये कह रही थी कि सपा में जो लोग जा रहे हैं वो बसपा के, कांग्रेस के, लेकिन भाजपा का कोई नहीं जा रहा, आज आप भी आ गए। नहीं, इस बात पे मैं नहीं कह सकता, हमको तो जाना था तो मैं गया। कोई खास वजह रही होगी भाजपा के साथ छोड़ने की? सब वजह वजह हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन किया गया है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की गई है। एक छोटा सा भी अधिकारी है जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान देना नहीं चाहता। हम लोग चुन के क्यों आए थे? लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। और ये एक रणनीति के तहत उन्होंने 20 से जनप्रतिनिधियों को हटा दिया, अब अधिकारी सीधे लूट रहा। लूट का रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है, बस यही तमाम तरीके की स्थिति। कल अमित शाह भी यहाँ पर आए हुए थे, तो जो बैठके हुए उसमें चर्चा ये है कि करीब 150 विधायकों की सीट के जो है उनके टिकट भी काटने की बात, क्या आपको भी ऐसा लग रहा था? ये खुद फेल है ना, अगर आप अपने आधे विधायकों के टिकट काट रहे हो तो इसके मतलब आपने ठीक काम नहीं किया। किसी क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं और 25-30 फेल हो जाएं तो किसकी गलती, बच्चों की या पढ़ाने वाले की? आपके क्षेत्र में बात करें, आप 150 टिकट काट रहे हो, इसके मतलब विधायक वो आपके पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो आपने इस लायक क्यों नहीं बनने दिया कि वो खरे उतरते? तो आपके क्षेत्र की अगर बात करें तो लोक संकल्प पत्र के कितने फीसद वादे लगता है पूरे कर लिए? अरे कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, गड्ढों से भरी पड़ी सड़कें हैं। अगर आ जाइए क्षेत्र में तो दिखा दूं, स्वच्छ भारत मिशन हंसी मजाक उड़ा रहा है, अधिकारियों ने इतना पैसा लूटा है। आपको विधायक है वहाँ के, नहीं करा पाए? कह तो रहा हूँ कि जब जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं, किससे कहूँगा? आपने किससे शिकायत की इस बारे में? किससे कहूँगा? मुख्यमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, किसी से आपने चर्चा की है कभी? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विधायकों के कहने के अनुसार काम करते कि अधिकारियों के हिसाब से काम कर रहे हैं? अधिकारी सीधे सीधे तार जोड़े हैं, और ये तमाम तो रिश्तेदार हैं उनके भाई, तमाम समझ रहे हैं, सब जातिवादी व्यवस्था है। ठीक जी, बसपा को छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाली विधायक सुषमा पटेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सुषमा जी, आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं आप, एक लंबी पारी बसपा के साथ रही विधायक हैं। जी, क्या वजह रही बसपा को छोड़कर सपा में आने? देखिए, मैंने पहले भी आपके साथियों को ये बताया कि मैंने बसपा नहीं छोड़ी। पिछले राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा था कि हम 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। रही बात कि अगर राज्यसभा चुनाव में पार्टी को कोई हम पर संदेह था, हम पर कोई शिकायत थी हमसे, तो एक बार बुला के कम वो हमारा पक्ष जान लेती, हमसे बात कर लेती, फिर जो उसका निर्णय था वो हमें स्वीकार रहता। बिना कारण बताए, बिना हमारा पक्ष जाने पार्टी से निष्कासित कर देना, ये उचित नहीं था। अगर वर्तमान हालात की बात करें, बसपा से लगातार एक एक करके जो विधायक हैं वो अलग होते जा रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं इस समय बसपा के? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी और इस विषय पर मुझे कोई बात नहीं करना है। अच्छा, अगर बात करें सपा को ही क्यों चुना है, भाजपा विकल्प में है, कांग्रेस है, लेकिन सपा में आने की वजह? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मेरा निर्णय मैंने अपने क्षेत्र की जनता से, अपने समर्थकों से, अपने मतदाताओं से व्यापक विचार विमर्श किया है। जनता की इच्छा थी कि इस प्रदेश को एक बेहतर, शिक्षित और विजनरी नेतृत्व मिले। इस प्रदेश ने, उस प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य को देखा है। जनता की इच्छा पर, जनता की आवाज़ पर मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हूँ। आप एक महिला विधायक हैं, भाजपा लगातार कहती है कि जब सपा की सरकार थी उस समय, एक आखिरी सवाल है मैडम, एक आखिरी मैडम, आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह सुषमा पटेल ने कहा कि विकल्प और थे लेकिन उनकी जो विश्वास था वो सपा के ऊपर था, इसी वजह से उन्होंने सपा को ज्वाइन किया है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।